हेलो एंड वेलकम टू हमारी आपकी रसोई से। आज हम बनाएंगे एक टर्किश रेसिपी, पोटैटो चीज़ कुनाफा। ये एक बहुत ही इजी रेसिपी है और एक पैन में बना सकते हैं इसे आप। इसका क्रस्ट काफ़ी क्रंची है और अंदर से काफ़ी चीज़ी। ये पोटैटो और चीज़ लवर्स को बहुत पसंद आने वाली है। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी खा सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने मीडियम साइज़ के 6 आलू लिए हैं, तकरीबन आधा किलो। इन्हें हम बॉईल करेंगे। बस सिर्फ इस बात का ज़रूर से ध्यान रखना है कि हमें ये हार्ड बॉईल करने हैं, मतलब कि 70% तक बॉईल होने चाहिए, ओवर कुक नहीं करना है। इसके लिए जैसे ही इसमें एक विसल आए, आप गैस ऑफ कर दें। इसमें एक विसल आ गई थी और प्रेशर भी रिलीज हो गया है इसका। एक नाइफ इंसर्ट करके देखते हैं इसमें। देखिए ये पक भी गए हैं लेकिन हार्ड बॉइल्ड हैं बिल्कुल। अब इन्हें तुरंत ही हम एक छलनी में निकाल लेंगे, पानी में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। जैसे ये ठंडे हो जाएं, इन्हें हम छील लेंगे। सारे आलू छिल गए हैं, अब हम इन्हें कद्दूकस कर लेंगे। आलू कद्दूकस हो गए हैं, अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लावर या फिर ब्रेड क्रम्स कुछ भी ले सकते हैं बाइंडिंग के लिए। पहले हम इसमें 1 टेबलस्पून ही डालेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तब और डालेंगे। कई बार आलू की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि अगर आलू में मॉइस्चर ज़्यादा है तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, और नहीं तो फिर कम में 1 टेबलस्पून से भी काम हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून ही चावल का आटा यूज़ करा है, और अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़े, आपको ये डो सॉफ्ट लगे तो आप इसमें जो भी चीज़ मिला रहे हो, ब्रेड क्रम्स या कॉर्नफ्लावर, 2 से 3 टेबलस्पून तक मिला सकते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, ये मैंने ऑलिव ऑयल लिया है। आप चाहें तो कोई भी रिफाइंड ऑयल या फिर बटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसके अलावा ये मैंने लिया है 1/2 कप मोज़रेला चीज़, 1/2 कप प्रोसेस चीज़, इसे भी मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो सिर्फ एक तरीके का भी ले सकते हैं, और अगर इसके अलावा आपके पास दूसरी वैरायटी का चीज़ है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ पसंद नहीं है तो इसकी जगह आप ग्रेटेड पनीर भी ले सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा नमक काली मिर्च डाल के। अब एक पैन लेंगे, इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। मैं यहाँ ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप जो ऑयल यूज़ करना चाह रहे हैं वो यूज़ करें। इसकी बेस में मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी, ये मैंने वर्मिसेलीज ली हैं। अगर आपके पास नहीं है वर्मिसेली तो आप इसकी जगह ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ये आलू की एक लेयर लगा देंगे और हाथ को पानी से हल्का सा गीला करके इसे अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे ताकि आलू हाथ में चिपके नहीं। इसके ऊपर डालेंगे चीज़, ये प्रोसेस चीज़ है, साथ ही डालेंगे मोज़रेला चीज़। अब इसे आलू की लेयर से अच्छी तरह कवर कर देंगे। हाथ गीला करके वापस से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि चीज़ और सब अपनी जगह सेट हो जाए। चाहे तो आप ग्लास की हेल्प से भी इसको थोड़ा प्रेस कर सकते हैं। इसे गैस पे रखेंगे, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम स्लो कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए सिकने देंगे। इसे 10 मिनट हो गए हैं सिकते हुए, अब हम इसको एक बार पलट देंगे। इसके लिए मैं ये यहाँ पर चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आपके पास चॉपिंग बोर्ड हो, नहीं तो कोई प्लेट या किसी भी इस तरह की चीज़ को लेके जो आप इजीली जिससे पलट सके, इसे इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया सिक गया है। अब पैन में वापस से 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और स्प्रिंकल करेंगे वर्मिसेली, और इसे दूसरी साइड सिकने के लिए इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। दूसरी साइड से भी ऐसे मीडियम स्लो गैस पर तकरीबन 10 मिनट तक सिकने देंगे। 10 मिनट हो गए हैं, इसको हम पलट के देख लेते हैं। आप इस तरह की किसी लिड की हेल्प से भी इसको पलट सकते हैं। इसको इस तरह से इसके ऊपर रखें, ये देखिए
ये देखिए कितना बढ़िया सिक गया है, ये लग रहा है ना बहुत ही टेम्पटिंग सा। तो आप भी इस टेम्पटिंग सी रेसिपी को ट्राई करें और अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे फिट, स्टे हेल्दी, हैव अ नाइस डे।